हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपने सामने है भाई किया सोनेट। यार मतलब किया की स्टार्टिंग रेंज वाली कार किया सोनेट, और किया की जो स्टार्टिंग रेंज वाली कार आती है ना, वो भी एक एसयूवी आती है, कोई किया ने सेडान नहीं निकाली। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जिसको नहीं पता हो कि किया की कार्स के बारे में। और यार ये जो कार है ना काफ़ी सही है, अगर आपकी फैमिली छोटी है, अगर आप 4-5 जने हैं फैमिली में, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कार है भाई। ये किया सोनेट काफ़ी सही लगती है दिखने में भी भाई। और यार मतलब कलर भी देखो यार इसका, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। ये जो है अपने सामने जो वेरिएंट है, ये बता देता हूँ, ये इसका HTE ऑप्शनल वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे यार। बेस वेरिएंट में किया वालों ने इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं कि अगर आप टॉप मॉडल पर चले गए तो आपको पता नहीं क्या ही क्या मिल जाएगा। और टॉप मॉडल की वीडियो देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको टॉप मॉडल की वीडियो मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस टॉप मॉडल की वीडियो का, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये HTE ऑप्शनल वेरिएंट है, इसका एक्सशोरूम प्राइस है मात्र 9,99,900 रुपए मात्र इस कार का एक्सशोरूम प्राइस है। बाकी सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है बेस वेरिएंट में। और प्रीमियमनेस देखो इंटीरियर में कितनी ज्यादा प्रीमियम है यार कार। तो आज मैं आपको इस कार का फुल डिटेल वॉकराउंड दूंगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। और आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम शो हो रहा होगा, वहां आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी कार के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉकराउंड से। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको इस कार का बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ फटाफट से, फिर एक्सटीरियर की बात करेंगे, फिर इंटीरियर की। कलर काफी ज्यादा बढ़िया है यार, कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इस कार का। ये जो देख रहे हो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, 4-सिलेंडर इंजन मिलता है इस कार का, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp और 250 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है यार ये कार। बाकी ये वॉशर का फ्लूड आ जाता है यहाँ पर, आप वॉशर वाइपर वाला जो वॉशर होता है वहाँ आप फ्लूड इसमें डाल सकते हो। ऊपर की साइड में इंसुलेशन नहीं दिया है, बेस वेरियंट है यार तो थोड़ा बहुत तो कॉस्ट कटिंग चलती है यार। बेस वेरियंट में सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करें तो इसका जो माइलेज है 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का आपको इसका माइलेज मिल जाएगा। और यार फ्रंट प्रोफाइल से देखो, मतलब फ्रंट प्रोफाइल से इस कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया कार। और बाकी आपको टाइगर नोज ग्रिल मिल जाएगी, जो कि ग्लॉसी में नहीं होगी, मैट में ही होगी, ब्लैक मैट में ही होगी ग्रिल। टॉप वेरियंट्स पर जाएंगे वहाँ आपको ग्लॉसी में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी हमारी लाइट आ जाती है इसकी, हेलोजन में हेडलैम्प्स आएंगे इस कार के, एक हाई बीम के लिए, एक लो बीम के लिए। बाकी ये टर्न इंडिकेटर आ जाता है, और ये नीचे की साइड में आपको फॉग लैम्प यहाँ की साइड में प्लेस कर दिया है। बाकी इस कार के अंदर कोई भी DRL नहीं आती, DRL भी आपको टॉप वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है इस कार के अंदर। और बाकी ये किया वगैरह यहाँ की साइड में यहाँ लोगो देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी फ्रंट कैमरा नहीं आता, पार्किंग सेंसर नहीं आता इस वाले वेरिएंट में। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस कार की जो लेंथ है 3,995 mm की लेंथ है इसकी, और हाइट है 1,610 mm की। इस कार की हाइट देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो यार सही से साइड प्रोफाइल से भी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा सही है यार, व्हील कवर का भी डिज़ाइन सही है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 195/65R15 इंच के इसके अंदर नॉर्मल स्टील व्हील लगे हुए मिल जाते हैं आपको। व्हील कवर भी लगे हुए मिल जाएंगे इस कार के अंदर, ये जो आप व्हील कवर देख रहे हो ये लगे हुए मिल जाएंगे। बाकी फेंडर पे टर्न इंडिकेटर आ जाता है, बेस वेरिएंट की पहचान यहाँ से आप देख सकते हैं। और ब्लैक कलर की साइड में प्रॉपर क्लाइडिंग मिल जाती है, क्लाइडिंग यार मतलब स्क्रैच से बचा लेती है। और ये ORVM आपको बॉडी कलर का ही मिलेगा, डोर हैंडल भी बॉडी कलर के ही मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है इस वाले वेरिएंट में देखने के लिए, नहीं मिलता रिक्वेस्ट सेंसर। बाकी रूफ की बात करें तो रूफ रेल भी लगी हुई नहीं मिलती है इस कार के अंदर हमें, और एक सनरूफ मिल जाता है आपको, दिखा देता हूँ। ये बेस वेरिएंट में सनरूफ मिल जाता है बट रूफ रेल लगी हुई नहीं मिलती। इसके बराबर वाली कार पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में ब्लैक वाली रूफ रेल लगी हुई दिख रही होगी, ऐसी रूफ रेल आती है। बाकी आपका देख सकते हैं एंटीना आ जाता है, नॉर्मल एंटीना, शार्क फिन एंटीना भी नहीं आता है इस कार के अंदर। बाकी रियर प्रोफाइल से देखो, रियर प्रोफाइल से यार गाड़ी यार मतलब मज़ेदार तो है यार, नो डाउट यार, सोनेट सोनेट है भाई ये किया। यहाँ की साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ की साइड में सोनेट लिखा हुआ मिल जाता है हमें। बाकी दो पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, एक ये और एक ये, दो पार्किंग सेंसर। और रिवर्स लाइट नीचे की साइड में डाल दी है कंपनी ने, वो तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, सब कुछ बताया है। बाकी यहाँ की साइड में कोई भी डिफॉगर वाइपर कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है, और ऊपर की साइड में एक अपर स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं एक बार आपको इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार बूट स्पेस देख लो। इसके अंदर आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा यार, अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है यार, मतलब 385 में आप कुछ भी रख सकते हो। बाकी ये ट्राइंगल आ जाता है, और एक बार स्पेयर व्हील भी दिखा देता हूँ। ये इसका स्पेयर व्हील और टूल किट यहाँ की साइड में देखने के लिए मिल जाती है हमें प्रॉपर। और यहाँ की साइड में कोई भी पार्सल ट्रे देखने के लिए नहीं मिलती है यार,
पार्सल ट्रे भी नहीं दिया है बेस वेरिएंट में। खैर ये सब कॉस्ट कटिंग चलती है और ये कंपनी की गलती नहीं है यार, आपसे इतना कम पैसा ले रही है कंपनी, तो यार मतलब ये सब चीज़ें तो चलती है। बाकी इंटीरियर की बात कर लें यार, तो इंटीरियर अब दिखा देता हूँ आपको एक बार। इंटीरियर ये सब आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ दे दिया है, ये सब आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ दे दिया है। बाकी दो विंडोज़ के कंट्रोल आ जाते हैं इधर की साइड में, और ये आपको ORVM के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं इधर की साइड में। ये आपको डोर हैंडल आ जाता है और नीचे की साइड में बोतल होल्डर का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सीट की बात करें तो फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलेगी, ये जो आप देख रहे हो प्रॉपर फैब्रिक। हाइट एडजस्टेबल नहीं होगी सीट यार, रिक्लाइन हो सकती है, हाइट एडजस्टेबल नहीं हो सकती। अब इंटीरियर में बैठ के इंटीरियर की बात कर लेते हैं यार इस कार के। भाइयों यार ये है यार इसका इंटीरियर, किया सोनेट के बेस वेरिएंट का इंटीरियर है। और यार इंटीरियर में बैठ के यार किया की कार्स में लगता ही नहीं कि यार हम बेस वेरिएंट में बैठे हैं, सही बताऊं तो। की देखो आप इसकी यार एक बार, मतलब ये की तो चलो थोड़ी ये ऑल्टो वाली दी है, बट यार किया की कार्स में ना लगता ही नहीं कि आप बेस वेरिएंट में बैठे हैं। बस की को छोड़ के अगर सोनेट की छोड़ दी जाए, सेल्टोस का बेस वेरिएंट देखो कि उसकी की भी बढ़िया है, बट की को छोड़ के सब कुछ देखो, मतलब सनरूफ भी दे दिया है, सब कुछ यार एकदम प्रीमियम नेस तो इतनी ज़्यादा देते हैं ना ये लोग कार्स में अपनी, बहुत ज़्यादा। एक बार आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ मैं कार का, ये देखो मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो इसका, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, मतलब A to Z सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। बाकी मैं दिखा देता हूँ इंटीरियर में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी। ये तो देख रहे हो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक्यूमुलेटेड इन्फो आ जाती है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सिंक्स रिफ्यूलिंग आ जाती है, ऑटो स्टार्ट्स और यूरिया लेवल आ जाता है। जैसे कि हमारी ये डीजल गाड़ी है तो इसमें यूरिया पड़ता है। बाकी यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल मिलेगा। बाकी इधर की साइड में वाइपर्स के कंट्रोल आ जाएंगे और इधर की साइड में हेडलाइट के कंट्रोल आ जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलते क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी इधर ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाएगा और हेडलाइट एडजस्टेबल बटन आ जाता है इस कार के अंदर। बाकी यार नॉर्मल एसी के आ जाएंगे, ऑटोमेटिक एसी नहीं आता इस वाले वेरिएंट में आपका, यहां से आप एसी वगैरह ऑन कर सकते हो। ये नॉर्मल एसी आता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं आता है इस कार के अंदर यार। ये चीज मुझे समझ नहीं आती ऑटोमेटिक एसी क्यों नहीं आ रहा यार कार के अंदर। वैसे बेस वेरिएंट है यार, ऑटोमेटिक एसी कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ देंगे यार कंपनी वाले, इतनी प्रीमियम बना दिया पहले तो यार, पहली बात तो। और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा हुआ नहीं मिलता है इस कार के अंदर। बाकी मैनुअल ORVM आ जाता है। और इधर की साइड की बात करें तो इधर की साइड में कोई भी टिकट होल्डर नहीं आता और इधर की साइड में भी कोई भी टिकट होल्डर नहीं आता है कार के अंदर। और ये देख सकते हैं आपका एक ग्लास सनग्लास होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। इधर की साइड में हेलोजन में हेडलैम्प्स मिल जाता, सॉरी केबिन लाइट मिल जाती है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये देखो इसका सनरूफ मिल जाता है यार बेस वेरिएंट में। और क्या ही चाहिए भाई, बेस वेरिएंट में सनरूफ मिल रहा है किसी कंपनी, और क्या ही लोगे भाई कंपनी से, और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो तुम। बाकी यहाँ की साइड में 2 कप होल्डर का स्पेस आ जाता है, यहाँ की साइड में देख सकते हैं लिटिल स्पेस आ जाता है आर्मरेस्ट में, हेडरेस्ट में, सॉरी आर्मरेस्ट में। बाकी ये आपका ग्लोव बॉक्स आ जाता है इस कार के अंदर। अब इस कार की सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट मिल जाती है। और सेफ्टी के मामले में तो किया नंबर 1 है भाई। मैं बोलूंगा कि आप किया की गाड़ी आंख बंद करके ले सकते हो भाई, सीरियस बताऊं तो मैं ये बोलूंगा। बाकी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाती है हमारी ये कार, तो कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है नो डाउट यार, सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। और क्या ही चाहिए आपको बेस वेरिएंट से यार किसी कंपनी से। और सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है नो डाउट यार, सीट सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं एक बार इस कार की रियर सीट पर बैठ जाता हूँ और रियर सीट दिखा देता हूँ आपको एक बार इस कार की, एक बार रियर सीट पर बैठ के दिखा देता हूँ रियर सीट। तो यार मैं रियर सीट पे बैठ गया हूँ, ये सीट मैंने ज़्यादा ही पीछे कर रखी थी इसलिए लेग स्पेस की जगह नहीं बची। वैसे इतनी पीछे करके कोई कार नहीं चलाता है, मैं नॉर्मल बैठा हुआ था तो मैंने ज़्यादा ही पीछे कर लिया। बाकी अच्छा खासा थाई सपोर्ट भी दे रखा है, 2 AC के वेंट्स दे रखे हैं और नीचे की साइड में 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी दे रखे हैं USB Type-C के, सॉरी। बाकी इधर की साइड में एक देख सकते हैं ये आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है। और ये यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, बस ये मारुति ऑल्टो वाले हाथ से उतारने वाले यार, ये चीज़ मुझे बस यही चीज़ पसंद नहीं है यार सोनेट के बेस वेरिएंट में। बाकी यार सब कुछ चीज़ें पसंद हैं, चाबी से भी बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, बट यार इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा यार मैं। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलते रियर सीट पे, फ्रंट सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और ये देख सकते हैं आपका सनरूफ आ जाता है। बाकी यहाँ से आप डैशबोर्ड देख सकते हो, कितना सही लग रहा है यार डैशबोर्ड यहाँ से, मतलब देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम लगती है बेस वेरिएंट में भी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती इस कार के अंदर मुझे, बाकी यार सब कुछ बढ़िया ही है यार। सेफ्टी वगैरह में भी यार 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, वो सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो यार यही था इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड वीडियो इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।